व्हाइट सॉस बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया आधा लीटर दूध, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून या आपके टेस्ट के मुताबिक नमक, और 1.5 टेबल स्पून बटर लिया है। आप यहाँ पे नॉर्मली ऑयल, कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने एक पतीली ले ली है और पतीली के अंदर मैं डालूंगी मक्खन। जैसे कि आपको पता है आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है मक्खन तो मैं डाल रही हूँ। इसको मेल्ट होने दूंगी। कि जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं मैदा डाल दूंगी। ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैदा और इसको कंटिन्यूसली हिलाती रहूँगी। इस टाइम पे मैंने फ्लेम जो है लो करा हुआ है बिल्कुल, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। ये इस तरीके का हो गया है, और नहीं हो रहा तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूंगी मैं, 1/2 कप जितना, और इसको अच्छे से, इसकी जो गुठलियाँ हैं इनको स्पैचुला की मदद से, नहीं तो आप हैंड बीटर की मदद से इसको मिला सकते हैं। कंटिन्यूसली घुमाते रहना है और इसके अंदर जो हमारे पास दूध है 1/2 लीटर, ये पूरा मैं इसके अंदर डाल के इसको पकाऊंगी 5 से 6 मिनट तक। मैं इसके अंदर जो सॉल्ट है मेरा वो भी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से घुमा लूँगी। देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से घुमा के पका लूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये जब थोड़ा सा गाढ़ा हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला है, इसको गाढ़ा हाई फ्लेम पे कर दें आप, लेकिन तब भी यही है कि आपको कंटिन्यूसली अपना स्पून हिलाते रहना है। और अगर आप लो फ्लेम पे कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन तब भी आपको स्पून हिलाते रहना है। यह स्पैचुला व्हाइट सॉस देख लें, 5 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। इसकी थिकनेस देख लें आप, बस आप, मैं इसको 1 मिनट और पका रही हूँ, उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको किसी भी एयर टाइट जार में मैं रख सकती हूँ 10 से 15 दिन के लिए। ये बिल्कुल तैयार है व्हाइट सॉस, अब आप इसको 1 महीने तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ओरिगैनो भी डाल सकते हैं।